क्या सर अभी पेपर आपका? पेपर तो यार मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर था, क्यों मॉडरेट क्यों बोला आपने? ऐसा क्या देखने को मिला पेपर? मैथ थोड़ी अच्छी आई हुई थी। अच्छी मतलब टफ लेवल पे? आज पाँच क्वेश्चन के आसपास में थोड़े अच्छे आए हुए थे, कैलकुलेटिव था पेपर। अच्छा, और आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मतलब थोड़ा सा रीजनिंग में भी कैलकुलेशन अच्छा आया हुआ है। उसमें तीन चार क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आए हुए हैं। सिंपलीफिकेशन चैप्टर है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये वाला। मतलब इसी, हाँ, इसके अंदर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश ठीक ठाक थी, और जीएस का कुछ भी पता नहीं है कहाँ से आया हुआ है। कुछ करंट अफेयर वगैरह 19 के भी पूछ रखे हैं, 18 के भी पूछ रखे हैं, 20 के भी पूछ रखे हैं, कोई पता नहीं है भाई। कोई मतलब एक फिक्स नहीं है, फिक्स पैटर्न पे नहीं आया है। वो कहते हैं अंडर द सन कुछ भी पूछ लेंगे, वही है। कुछ भी पूछा गया है, मतलब कि मैं बैठा, मैंने अच्छी खासी तैयारी करी हुई थी। मेरे भाई लास्ट अभी सीजीएल में मेरा 145 स्कोर है। अरे बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर उस हिसाब का पेपर नहीं गया जैसा मेरा सीजीएल का गया था। अच्छा, मतलब खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी मैं। हाँ, कितने अटेम्प्ट करे आपने? मेरे 87 अटेम्प्ट। 87 अटेम्प्ट तो अच्छा अटेम्प्ट है वैसे। अच्छा अटेम्प्ट तो है भाई, लेकिन यार जीएस के अंदर आपको क्या एक्यूरेसी पे शक है अपनी? हाँ, एक्यूरेसी पे थोड़ा शक है, क्योंकि जीएस मेरे हिसाब से अच्छी नहीं गई है ज़्यादा। और रीजनिंग पे भी एक आध क्वेश्चन पे डाउट है, क्योंकि यार छोड़ना पेपर ज़्यादा मेरे को मुनासिब भी नहीं लग रहा था, इसकी वजह से मुझे एक आध क्वेश्चन पे रिक्स भी लेना पड़ गया। अच्छा, अगर 1 से 10 के बीच में रेटिंग करोगे पेपर को, ठीक है, तो कितना रेटिंग करोगे? रेटिंग भाई तकरीबन 7.5 जाएगी रेटिंग इसकी। अच्छा, अच्छा लेवल है पेपर का। हाँ, और एक नंबर का पेपर आया हुआ है। आपको ऐसा लगता है जो बच्चा अभी 6 महीने से तैयारी कर रहा है वो निकाल देगा पेपर? 6 महीने तैयारी यार बिल्कुल भी नहीं, नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि करंट उससे पहले का पूछा जा रहा है। करंट उससे पहले का पूछा जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, कैलकुलेशन पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए इस पेपर को निकालने के लिए। कैलकुलेशन बहुत आई हुई है अच्छी, और कैलकुलेशन अच्छी तभी होती है बंदा प्रैक्टिस करे। हाँ, बंदा जब प्रैक्टिस करेगा। 6 मंथ मेरे को लगता है इनफ नहीं है। पेपर ठीक था। हाँ, अच्छा, कितने अटेम्प्ट करें? 91 तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है यार। थैंक यू भैया, और बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, मुबारक हो। पहले सेलेक्ट हो गए आप, ठीक है, हो सकता हो जाए। कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं भाई आप? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। कैसा लगा आपको पेपर? की टफ लगा, इजी था, मॉडरेट था? पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन लेंथी था। मतलब 60 मिनट्स ना कम इनफ नहीं है। अच्छा, हाँ, आप मान के चलो जो मतलब प्रैक्टिस कर रहा है इस चीज़ की, वही कर सकता है। मतलब जो बार बार मॉक टेस्ट लगाए, आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? जो मॉक टेस्ट लगाए वो जरूरी है मॉक टेस्ट लगाना? मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड भाई, जीके जी से कैसा रहा जो आप पढ़ के गए थे 1-1.5 साल में, वो आया कुछ? बहुत टफ था भाई, मतलब ज़्यादातर हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। हिस्ट्री से पूछा जा रहा है? हाँ, हिस्ट्री से और फोक डांस वगैरह ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। अच्छा, मतलब आर्ट एंड कल्चर, फोक डांस, म्यूजिक, अवार्ड, वो अवार्ड भी कर रहे हैं? बुक्स भी पूछी जा रही हैं। हाँ, बुक्स तो करंट का हो गया सारा हिसाब किताब। अच्छा अच्छा, नहीं करंट्स की नहीं, अच्छा हिस्ट्री की बुक्स पूछी जा रही हैं। अच्छा, हिस्ट्री की। हाँ, ओके 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 ओके, आर्ट एंड कल्चर वाला हिसाब हो गया बस ये मान लो। एंड ये आपका मैथ्स कैसा बताया आपने? मैथ्स अच्छा था, कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा था। एडवांस से क्वेश्चन भी थे इसमें? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा? नहीं नहीं, एडवांस नहीं थे, अरिथमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशन, रोशन, ये सब चल रहा था। अच्छा, और बेसिक मैथ थी, कैलकुलेटिव थी और लेंथी थी। मतलब सोचना पड़ रहा था क्वेश्चन देखकर? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अगर हमें ये लगता है कि हम 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में कर दें तो इम्पॉसिबल है, उसके लिए हमें टाइम देना ही पड़ेगा। मतलब, और ऐसे क्वेश्चन भी थे भाई, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, ऐसे क्वेश्चन भी थे कि जो बंदा प्रैक्टिस करके जा रहा है क्वेश्चन देखा और देखते बन गया, क्या ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे? हाँ, ऐसे भी थे, लेकिन मतलब रेशो कम था, जैसे कम था। हाँ, तीन चार तो नहीं, 5-10 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। बाकी ये मतलब पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल कंसर्न के ऊपर डिपेंड है, कितनी आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी प्रैक्टिस करी है, बार बार रिपीटेशन कितनी करी है आपने प्रैक्टिस की। और इंग्लिश कैसी थी आपकी, पढ़ी जाइए कुछ? इंग्लिश बेसिक थी बस, ये इडियम फ्रेज वगैरह ज़्यादा हार्ड थे। कोई इडियम फ्रेज बता सकते हो आप? एक था हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट तो वो हो गया स्ट्रिक्ट है ये सब है ना। हार्ड एंड फास्ट मतलब जितनी ज़्यादा अर्जेंट में कर सको हार्ड एंड फास्ट करना है ऐसे, ठीक है, एक आया हुआ था तो मतलब कम टाइम में कम ड्यूरेशन में इस विद स्ट्रिक्टनेस के साथ जो कर सको डेफिनेटली। बस ये हार्ड एंड फास्ट एकदम फ्रेज आया था, और भी था एक दो, मतलब कोई सिनोनिम बता सकते हो, कोई एक याद हो अभी भी देखकर आओ? नहीं यार, सिनोनिम वगैरह तो नहीं है, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं मॉडरेट था, मतलब इतना इजी नहीं था कि इन एट ऑन वगैरह जैसे पहले आते थे ना वैसा कुछ नहीं है। और एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चन देखने को मिले? 2-3 क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के, नरेशन नहीं थी, एक एक्टिव का पैसिव था, एक पैसिव का एक्टिव बनाना था। अच्छा, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का भी एक्टिव। अरे अरे अरे, चलो, आपका एग्जाम बढ़िया हुआ? ठीक था, चांसेस हैं बाकी देखो। अच्छा, और 1 से 10 तक क्या रेटिंग दोगे एग्जाम को? अगर आप 7-8 देते हो तो एग्ज़ाम का लेवल टफ है, 3-4-5 देते हो तो इजी है, 6 मतलब मॉडरेट है एकदम। मॉडरेट भी है, मॉडरेट से थोड़ा सा अपर है, मतलब 7 मान लो। हाँ
मतलब ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल आके बोलते मैं निकाल दूंगा, ऐसा नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बस टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग ये प्रॉब्लम कैलकुलेटिव है, मतलब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी। हाँ, आप सपोज करो मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिया, मुझे पता नहीं मतलब क्या चीज था क्वेश्चन के अंदर, क्या नहीं थी। अच्छा, आप देख लीजिए, एटलीस्ट देख लेता ना तो उसके। हाँ, तो क्या पता कोई देखते बन जाता, वही तो चीज़ है ना, टाइम टेकिंग था बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका थैंक यू, और आपका मुबारक हो। 91 अटेम्प्ट करे ना आपने, तो मुझे लगता है आपका हो ही जाएगा। आपका एक्यूरेसी कैसा है? एक्यूरेसी 80% के समथिंग है। 80% है, तो भाई उम्मीद तो है फिर इसमें। लेट्स सी।